एक बार आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा, जल, वायु, अग्नि इत्यादि तत्वों में सबसे शक्तिशाली तत्व कौन सा है? भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, पत्थर सबसे कठोर और शक्तिशाली दिखता है, लेकिन लोहे का हथौड़ा पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, इसलिए लोहा पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन लोहार आग की भट्टी में लोहे को गलाकर अपनी मनचाही शक्ल में ढाल देता है, इसलिए आग लोहे और पत्थर से भी अधिक शक्तिशाली है। मगर आग कितने भी विकराल क्यों ना हो, जल उसे शांत कर देता है, इसलिए जल पत्थर, लोहे और अग्नि से भी अधिक शक्तिशाली है। लेकिन जल से भरे बादलों को वायु कहीं से उड़ाकर कहीं ले जाती है, इसलिए वायु जल से भी अधिक शक्तिशाली है। लेकिन हे आनंद, इच्छा शक्ति वायु की दिशा को भी मोड़ सकती है, इसलिए सबसे अधिक शक्तिशाली तत्व व्यक्ति की इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति से अधिक बलशाली कोई भी तत्व नहीं है। यदि किसी काम को अपनी इच्छा शक्ति से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। एक बार वैशाली के बाहर धर्म प्रचार के लिए जाते हुए गौतम बुद्ध ने देखा, कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पानी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी ही देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर कन्या को झेपते हुए बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ, मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उसे फिर कहा, पुत्री, जोर की प्यास लगी है, तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली नरेश भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पेश किया। बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर से बालिका से अपनी बात कही। इस बार बालिका ने साहस बटोर कर कुएं से पानी निकाला, स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पिलाने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया, संयोग से मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुनकर अपने गले की माला मुझे पुरस्कार में दे दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं अछूत कन्या हूँ। यह जानते ही उन्होंने अपने सिपाहियों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दे दिया। मैं किसी तरह उनसे बच बचा कर यहाँ तक पहुंची थी। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, यह कन्या अछूत नहीं है, आप अछूत हैं। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीतों का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, वह अछूत हो ही नहीं सकती। गौतम बुद्ध के सामने राजन का सर लज्जा में झुक गया। एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, महाराज, मैं एक साधारण सा किसान हूँ, बीज बोकर हल चलाकर अनाज उत्पन्न करता हूँ और तब उसे ग्रहण करता हूँ, किंतु इससे मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। मैं कुछ और करना चाहता हूँ जिससे मेरे खेत में अमृतत्व के फल उत्पन्न हो। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए जिससे मेरे खेत में अमृतत्व के फल उत्पन्न होने लगे। बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराकर बोले, भले व्यक्ति, तुम्हें अमृत का फल तो अवश्य मिल सकता है, किंतु इसके लिए तुम्हें खेत में बीज न बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे। यह सुनकर किसान हैरानी से बोला, प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं? भला मन में बीज बोकर फल प्राप्त हो सकते हैं? बुद्ध बोले, बिल्कुल हो सकते हैं, और इन बीजों से जो फल प्राप्त होंगे वे कोई साधारण फल ना होकर अद्भुत होंगे, जो तुम्हारे जीवन को सफल बनाएंगे और तुम्हें नेकी की राह दिखाएंगे। किसान ने कहा, प्रभु, तब तो मुझे अवश्य बताइए कि मैं मन में कैसे बीज बोऊं। बुद्ध बोले, तुम अपने मन में
विश्वास के बीज बो, विवेक का हल चलाओ, ज्ञान के जल से उसे सींचो और उसमें नम्रता का उर्वरक डालो। इससे तुम्हें अमृतत्व का फल प्राप्त होगा। उसे खाकर ही तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें असीम शांति का अनुभव होगा। बुद्ध से अमृतत्व के फल की प्राप्ति की बात सुनकर किसान की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि अमृतत्व का फल सद्विचारों से ही प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध एक बार एक गांव से गुजर रहे थे। वहां के कुछ लोग उनसे शत्रुता रखते थे। उन्होंने रास्ते में ही उन्हें घेर लिया, बेतहाशा गालियां देकर उन्हें अपमानित करने लगे। बुद्ध सुनते रहे। जब वे थक गए तो बुद्ध बोले, आपकी बात पूरी हो गई तो मैं जाऊं? वे लोग बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, हमने तो तुम्हें गालियां दी, तुम क्रोध क्यों नहीं करते? बुद्ध बोले, तुमने देर कर दी। अगर 10 साल पहले अगर तुमने मुझे गालियां दी होती तो बेशक मैं भी तुम्हें गालियां देता, लेकिन अब मैं गालियां लेने में असमर्थ हूँ। सिर्फ देने से नहीं होती, लेने वाला भी तो होना चाहिए। जब मैं पहले गांव से निकला था तो वहां के लोग भेंट करने के लिए मिठाई लाए थे, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था। वे उन्हें वापस ले गए। बुद्ध थोड़ा रुक कर बोले, जो लोग मिठाई ले आए होंगे उन्होंने मिठाइयों का क्या किया होगा? एक व्यक्ति बोला, अपने बच्चों, परिवार और चाहने वालों में बांट दी होगी। बुद्ध बोले, तुम जो गालियां लाए हो मैंने उन्हें नहीं लिया, क्या तुम भी इन्हें अपने परिवार और चाहने वालों में बांटोगे? बुद्ध के सारे विरोधी शर्मिंदा हो गए और वे सभी बुद्ध के शिष्य बन गए। एक वृद्ध भिक्षु और एक युवा भिक्षु दोनों नदी के किनारे से जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवती नदी में डूब रही है और बचाओ बचाओ की आवाज दे रही है। युवा भिक्षु तुरंत नदी में कूद गया और युवती को नदी से बाहर निकाल लाया। इस तरह से उसने उस युवती की जान बचा ली। इतने में ही वृद्ध भिक्षु गर्म हो गया और बोला, अरे तुमने उस महिला को छू लिया, अब तो मैं बुद्ध से कहूंगा और तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। दोनों बुद्ध के सामने पहुंचे। वृद्ध भिक्षु ने कहा, भंते इसको दंड मिलना चाहिए। बुद्ध ने पूछा, क्यों? वृद्ध भिक्षु ने कहा, इसने उस युवती को उठाकर नदी के बाहर रखा, इसने उसे छू लिया, इसका ब्रह्मचर्य नहीं रहा, इसलिए इसे प्रायश्चित करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, प्रायश्चित तो पहले तुम्हें करना चाहिए। मैं किस बात का प्रायश्चित लूं? विस्मय से उसने पूछा। बुद्ध ने कहा, इसने उस महिला को उठाकर वहां ही रख दिया, पर तुम तो उसे अपने मानस में उठाकर यहां तक ले आए हो। तुम्हारे मन में अभी भी यह बात घूम रही है, तुम इतनी देर तक उसे ढो रहे हो। इसने तो उसे वहां रखा और भूल भी गया, लेकिन तुम उसे नहीं भूल पा रहे हो। सुनो, मैं तुम्हें परिणामों की निर्मलता के लिए 4 उपाय बताता हूँ। पहला, हमेशा मन को स्वस्थ रखना। दूसरों के बारे में विकृत नहीं करना। दूसरा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तीसरा, अच्छी संगति में रहना। और चौथा, प्रार्थना करना। गौतम बुद्ध अपने प्रवचनों में अपने शिष्यों को बहुत सी कथाएं सुनाते थे। यह कथा भी उन्हीं में से एक है। कभी किसी काल में नगर में राम और श्याम नाम के दो धनी व्यापारी रहते थे। वे दोनों ही अपने धन और वैभव का बड़ा प्रदर्शन करते थे। एक दिन राम अपने मित्र श्याम के घर उससे भेंट करने के लिए गया। राम ने देखा कि श्याम का घर बहुत विशाल और 3 मंजिला था। 2500 साल पहले 3 मंजिला घर होना बहुत बड़ी बात थी और उसे बनाने के लिए बहुत से धन और कुशल वास्तुकार की आवश्यकता होती थी। राम ने यह भी देखा कि नगर के सभी निवासी श्याम के घर को बड़े विस्मय से देखते थे और उसकी बढ़ाई भी करते थे। अपनी घर वापसी पर राम बहुत उदास था कि श्याम के घर ने सभी का ध्यान खींच लिया है। उसने उसी वास्तुकार को बुलाया जिसने श्याम का घर बनाया था। उसने वास्तुकार से श्याम के घर जैसा ही
3 मंजिला घर बनाने के लिए कहा। वास्तुकार ने इस काम के लिए हामी भर दी और काम शुरू हो गया। कुछ दिनों के बाद राम काम का मुआयना करने के लिए निर्माण स्थल पर गया। जब उसने नींव खोदे जाने के लिए मजदूरों को गहरा गड्ढा खोदते देखा तो वास्तुकार को बुलाया और पूछा, कितना गहरा गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है? मैं आपके बताए अनुसार 3 मंजिला घर बनाने के लिए काम कर रहा हूँ, वास्तुकार ने कहा। सबसे पहले मैं मजबूत नींव बनाऊंगा, फिर क्रमशः पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और फिर तीसरी मंजिल बनाऊंगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, राम ने कहा। तुम सीधे ही तीसरी मंजिल बनाओ और उतनी ही ऊंची बनाओ जितनी ऊंची तुमने शाम की बनाई थी। नींव की और बाकी मंजिलों की परवाह मत करो। ऐसा तो नहीं हो सकता, वास्तुकार ने कहा। ठीक है, यदि तुम नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवा लूंगा, राम ने नाराज होकर कहा। उस नगर में कोई भी वास्तुकार नींव के बिना यह घर नहीं बना सकता था, फलतः वह घर कभी भी नहीं बन पाया। अतः किसी भी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए उसकी नींव सबसे मजबूत बनानी चाहिए एवं काम को योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में गए। वहां एक स्त्री ने उनसे पूछा, आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवावस्था में ही गेरुआ वस्त्र धारण क्यों किया है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने 3 प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन यह वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध की बात सुनकर स्त्री बहुत प्रभावित हो गई और उसने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही ये बात गांव के लोगों को मालूम हुई तो सभी ने बुद्ध से कहा कि उस स्त्री के यहाँ ना जाए, क्योंकि वह स्त्री तो चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा तो यह बात सही निकली। सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में सहमति जताई। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा, यह तो असंभव है, एक हाथ से ताली नहीं बजाई जा सकती। बुद्ध ने कहा, ठीक इस प्रकार कोई स्त्री अकेले चरित्रहीन नहीं हो सकती। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। गांव के सभी पुरुष बुद्ध की बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। महात्मा बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था। जब समय हो गया तो महात्मा बुद्ध आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 150 के करीब श्रोता थे। दूसरे दिन तकरीबन 100 के करीब लोग थे। फिर भी उन्होंने ऐसा ही किया, वह बिना बोले वहां से चले गए। इस बार 50 कम हो गए। तीसरा दिन हुआ, 60 के करीब लोग ही थे। महात्मा बुद्ध फिर आए, इधर उधर देखा और बिना कुछ कहे ही वापस चले गए। चौथा दिन हुआ तो कुछ लोग और कम हो गए, तब भी वे बिना बोले वहां से चले गए। जब 5वां दिन हुआ तो देखा सिर्फ 14 लोग बचे थे। महात्मा बुद्ध उस दिन बोले और 14 लोग उनके साथ हो गए। किसी ने महात्मा बुद्ध से पूछा, आपने 4 दिनों तक क्यों कुछ नहीं बोला, इसका कारण क्या था? तब बुद्ध ने कहा, मुझे भीड़ नहीं बल्कि काम करने वाले लोग चाहिए थे। यहाँ वही लोग टिक सकेंगे जिनमें धैर्य होगा। जिसमें धैर्य था वही लोग यहाँ पर रुक गए। केवल भीड़ ज्यादा होने से धर्म नहीं फैलता, समझने वाले लोग चाहिए। तमाशा देखने वाले रोज इधर उधर ताकते झाकते हैं, समझने वाले धीरज रखते हैं। कई लोगों को दुनिया का तमाशा अच्छा लगता है, समझने वाला शायद 1000 में एक ही होता होगा। आप सुनने जा रहे हैं गौतम बुद्ध की कहानी गिलहरी और बुद्ध। भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे, उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था।
लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेक कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें नहीं मिला। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी से भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने यह क्रम जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वह लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है? सरोवर का जल ये कभी नहीं सुखा सकेगी। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। वो पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। यह तो एक गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो मनुष्य हूँ, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से शिक्षा प्राप्त की और फिर से तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वे भगवान बुद्ध हो गए। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे महात्मा बुद्ध की कहानी, गिलहरी और बुद्ध। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त सदा ही बुद्ध को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता था, मगर उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ती थी। एक बार बुद्ध जब कपिलवस्तु पहुंचे तो अनेक कुलीन शाक्यवंशी राजकुमार उनके अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ समय के पश्चात देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त की और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के सामने पेश किया। वहां एक शिशु के रूप में वह प्रकट हुआ जिसने एक सांप को बंदी बनाकर रखा था। तभी से अजातशत्रु उसे परम आदर की दृष्टि से देखा करते थे। कुछ दिनों के बाद जब देवदत्त मगध से लौटकर जब संग में वापस आया तो उसने स्वयं को बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित किया और संघ का नेतृत्व करना चाहा। भिक्षुओं को बुद्ध से विमुख करने के लिए उसने कहा, बुद्ध तो बूढ़े हो चुके हैं और वे सटिया गए हैं। किंतु भिक्षुओं ने जब उसकी कोई बात नहीं सुनी तब वह बुद्ध और संघ दोनों से द्वेष करने लगा। खिन्न होकर वह फिर से वापस मगध पहुंचा और अजात शत्रु को महाराज बिंबसार का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बिंबसार बुद्ध और बौद्धों को प्रचुर प्रशय प्रदान करते थे। प्रारंभिक दौर में बिंबसार को मरवाने की उसकी योजना सफल नहीं हुई, अतः उसने 16 धनुर्धारियों को बुद्ध को मारने के लिए भेजा। किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वह सारे उनके अनुयायी बन गए। क्रोध में तब देवदत्त ने पर्वत की चोटी से एक चट्टान लुढ़काई, जिससे पहाड़ से ही उत्पन्न दो बड़े पत्थरों ने रास्ते में ही रोक दिया। देवदत्त के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक दिन मगध राज के अस्तबल में जाकर एक विशाल हाथी नालगिरी को ताड़ी पिलाकर बुद्ध के आगमन मार्ग में भेज दिया। नालगिरी के आगमन से सड़कों पर खलबली मच गई और लोग जहां तहां भाग खड़े हुए। तभी बुद्ध भी वहां से गुजरे। ठीक उसी समय एक घबराई हुई महिला अपने बच्चे को हाथी के सामने ही छोड़कर भाग खड़ी हुई। जैसे ही नालगिरी ने बच्चों को कुचलने के लिए अपने पैर बढ़ाए, बुद्ध उसके सामने जाकर खड़े हो गए और उन्होंने हाथी का सर थपथपाया।
बुद्ध के स्पर्श से नालगिरी उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। नालगिरी हाथी की इस घटना से देवदत्त मगध में बहुत अप्रिय हो गया और उसे तत्काल ही नगर छोड़कर जाना पड़ा। एक बार गौतम बुद्ध से अभय राजकुमार ने प्रश्न किया, क्या कभी महात्मा गौतम कभी कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं? उसने सोच रखा था कि नहीं कहने पर वह यह बताएगा कि एक बार उन्होंने देवदत्त को नरकगामी कहा था, और यदि हाँ कहेंगे तो उनसे पूछा जा सकता है कि जब आप खुद कठोर शब्दों का प्रयोग करने से स्वयं को नहीं रोक पाते, तब दूसरों को ऐसा उपदेश आप कैसे दे सकते हैं? बुद्ध ने अभय के प्रश्न का आशय जान लिया। उन्होंने कहा, इसका उत्तर ना तो हाँ में दिया जा सकता है और ना ही ना में दिया जा सकता है। अभय की गोद में उस समय एक छोटा सा बालक था। उसकी ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने पूछा, राजकुमार, यदि अनजाने में यह बालक अपने मुख में काट का टुकड़ा डाल ले, तब तुम क्या करोगे? मैं उसे निकालने का प्रयास करूंगा। यदि वह आसानी से नहीं निकला तो बाएं हाथ से उसका सर पकड़कर दाहिने हाथ की उंगली को टेढ़ा करके उसे निकालने की कोशिश करूंगा, और यदि खून निकलने लगा तो भी मेरा प्रयास जारी रहेगा कि वह कांट का टुकड़ा किसी न किसी तरह बाहर निकल आए। ऐसा क्यों? इसलिए कि इसके प्रति मेरे मन में अनुकंपा है। राजकुमार, ठीक इसी तरह जिस वचन के बारे में ये जानते हैं कि यह मिथ्या या अनर्थकारी है और उससे दूसरों के हृदय को ठोस पहुंच सकती है, तब उसका वे उच्चारण नहीं करते, पर इसी तरह जो वचन उन्हें सत्य और हितकारी प्रतीत होते हैं तथा दूसरों के लिए प्रिय लगते हैं, उनका वे सदैव उच्चारण करते हैं। इसका कारण यही है कि तथागत के मन में सभी प्राणियों के लिए अनुकंपा है। बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा समशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वह स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर तक यह सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचन सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो वे दुखी हुए और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और वह बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वह अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे के आग में जलने लगा, और वह उन्हें ढूंढता हुआ उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध कहां मिलते? वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव के लिए निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचने कराने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तुम्हें वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी तक वहीं अटके हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों को पकड़कर अपना क्रोध त्याग दिया तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया।
बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। दोस्तों, बहुत बार हम भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोच सोच कर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों ने जगह जगह पर बहुत सारे खड्डे खुदे हुए देखे। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे खुदे होने का क्या तात्पर्य हो सकता है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और न मिलने पर वह दूसरा खड्डा खोदना शुरू कर देता। इसलिए व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ साथ धैर्य भी रखना चाहिए। एक बार गौतम बुद्ध राजपथ से जा रहे थे, तभी एक गृहस्थ भीगे हुए वस्त्र पहने सभी दिशाओं को नमस्कार कर रहा था। बुद्ध ने पूछा, महाशय, इन छह दिशाओं की पूजा का क्या अर्थ है? ये पूजा क्यों करनी चाहिए? गृहस्थ बोला, यह तो मैं नहीं जानता। बुद्ध ने कहा, बिना जाने पूजा करने से क्या लाभ होगा? गृहस्थ ने कहा, भंते, आप ही कृपा करके बताइए कि दिशाओं की पूजा क्यों करनी चाहिए। तथागत बोले, पूजा करने की दिशाएं भिन्न हैं। माता और पिता और ग्रहपति पूर्व दिशा है, आचार्य दक्षिण, स्त्री, पुत्र और मित्र उत्तर दिशा हैं, सेवक नीची तथा श्रवण ब्राह्मण ऊंची दिशा है। इनकी पूजा से लाभ होता है। गृहस्थ बोला, और तो ठीक है भंते, परंतु सेवकों की पूजा कैसे की जाए? वे तो स्वयं मेरी पूजा करते हैं। बुद्ध ने समझाया, पूजा का अर्थ हाथ जोड़ना या सर झुकाना नहीं होता। सेवकों की सेवा के बदले उनके प्रति स्नेह और वात्सल्य ही उनकी पूजा है। गृहस्थ ने कहा, आज आपने मुझे सही दिशा का ज्ञान दिया है। एक बार गौतम बुद्ध घूमते हुए एक नदी के किनारे पहुंचे। वह उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जाल बिछाता और उसमें मछलियां फंसने पर उन्हें किनारे पर रख देता और एक बार फिर से जाल डाल देता। मछलियां पानी के बिना तड़पती हुई मर जाती। बुद्ध यह सब देखकर द्रवित हो गए और मछुआरे के पास जाकर बोले, भैया, तुम इन निर्दोष मछलियों को क्यों पकड़ रहे हो? मछुआरे ने बुद्ध की ओर देखकर बोला, महाराज, मैं इन्हें पकड़कर बाजार में बेचूंगा और धन कमाऊंगा। बुद्ध बोले, तुम मुझसे इनके दाम ले लो और इन मछलियों को छोड़ दो। मछुआरा यह सुनकर खुश हो गया और उसने बुद्ध से उन मछलियों का मूल्य लेकर मछलियां बुद्ध को सौंप दी। बुद्ध ने जल्द ही सभी तड़पती हुई मछलियों को वापस नदी में डाल दिया। यह देखकर मछुआरा दंग रह गया और बोला, महाराज, आपने तो मुझसे मछलियां खरीदी थी, फिर आपने इन्हें वापस पानी में क्यों डाल दिया? यह सुनकर बुद्ध ने कहा, यह मैंने तुमसे इसलिए खरीदी थी ताकि इन्हें दोबारा से जीवन दे सकूं। किसी की हत्या करना पाप है। यदि मैं तुम्हारा ही गला घोटने लगूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह सुनकर मछुआरा हैरानी से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध बोले, जिस तरह मानव को हवा और पानी मिलना बंद हो जाए तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा, ठीक उसी तरह मछलियां भी यदि पानी से बाहर आ जाए तो वे भी तड़प तड़प कर मर जाती हैं। उनमें भी सांस है, उनको तड़पता देखकर तुम कठोर कैसे रह सकते हो? बुद्ध की बातें सुनकर मछुआरा लज्जित हो गया और बोला, महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मुझे ये काम उचित लगता था, पर अब लगता है कि इससे भी अच्छा काम करके मैं अपनी आजीविका चला सकता हूँ। मैं चित्र भी बनाता हूँ,
आज से मैं चित्रकला में ही अपनी आजीविका कमाऊंगा। इसके बाद वह वहां से चला गया और कुछ ही समय में एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। बहुत पुरानी बात है, गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर में घूमने निकले तो शहर के लोगों ने उन्हें बहुत ही बुरा भला कहा। शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। गौतम बुद्ध ने जब ये देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिख रहे हैं तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जब हम बाहर घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत ही बुरा भला कहा। जहाँ हमारा सम्मान ना हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। यहाँ के लोग दुर्व्यवहार के सिवा और कुछ नहीं जानते। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या किसी और जगह तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरा शिष्य बोला, इस शहर से तो भले ही लोग होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहाँ के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी हम जाएं उस स्थान को तब तक ना छोड़ें जब तक अपनी अच्छाई से वहाँ के लोगों को सुधार ना दे। हम जिस भी स्थान पर जाएं वहाँ के लोगों का कुछ ना कुछ भला कर ही लौटें। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद भी वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे? आखिर में तो उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में संतों का कार्य यही होता है कि वह लोगों को सुधारें। सही चुनौती तो वह है जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को साबित कर सकें। ये सभी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में आगे बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह भी उत्तम व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करते रहते हैं। खुद को वश करने वाले प्राणी से उत्तम और कोई भी नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध के बाद सभी शिष्यों को समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। एक बार बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। अपनी देशना खत्म करते हुए उन्होंने आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। सभा विसर्जित होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, चलो थोड़ी दूर घूम के आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे विहार के मुख्य द्वार तक ही पहुंचे थे कि किनारे पर रुककर खड़े हो गए। प्रवचन सुनने वाले लोग एक एक करके बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ सी हो रही थी। अचानक उनमें से निकलकर एक स्त्री गौतम बुद्ध से मिलने पहुंची। उसने कहा, तथागत, मैं एक नर्तकी हूँ। आज नगर के एक श्रेष्ठ घर में मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी। आपने कहा समय निकला जा रहा है तो मुझे तुरंत बात याद आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद एक डकैत बुद्ध की ओर आया। उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई भी बात नहीं छिपाऊंगा। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था। आज आपका उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आ गया। बुद्ध ने कहा, तथागत, जिंदगी भर मैं दुनियावी चीजों के पीछे भागता रहा, अब मौत का सामना करने के दिन नजदीक आते जा रहे हैं। अब मुझे ये लगता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी यूं ही बेकार कर दी। आपकी बातों से मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं अपनी सारी दुनियावी मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तो बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन हर किसी ने उसका अलग अलग मतलब निकाला। जिसकी जितनी झोली होती है वह उतना ही दान समेट पाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना होता है।
इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आप सुनने जा रहे हैं गौतम बुद्ध की कहानी सुख क्या है। एक दिन बहुत से भिक्षु बैठकर बातें कर रहे थे कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। अगर संसार में सुखी था तो छोड़कर आए क्यों, जब संसार में दुखी दुख रह जाए तभी तो कोई संन्यस्त होता है। जब ये समझ में आ जाए कि यहाँ कुछ भी नहीं, खाली पानी के बुलबुले हैं, आकाश में बने इंद्रधनुष हैं, आकाश कुसुम है, यहाँ कुछ भी नहीं, तभी तो कोई सन्यासी होता है। सन्यास का अर्थ ही है संसार व्यर्थ हो गया। जानकर अनुभव से, अपने ही साक्षात्कार से, ये भिक्षु ऐसे ही भागकर चले आए होंगे। किसी की पत्नी मर गई होगी, सन्यासी हो गया। किसी का दिवाला निकल गया होगा तो सन्यासी हो गया। अब तुम देखना, बहुत से लोग सन्यासी होंगे, फिर कुछ और बचता भी नहीं। तभी भगवान बुद्ध अचानक आ गए। पीछे खड़े होकर उन्होंने भिक्षुओं की बातें सुनी, चौंके, फिर कहा, भिक्षुओं, भिक्षु होकर भी तुम ये क्या बातें कह रहे हो? यह सारा संसार दुख में है, इसमें तुम क्या बातें कर रहे हो? कोई कह रहा है कि राज्य सुख है, तो कोई कहता है काम सुख है, इसमें तुम बता रहे हो कि कोई ये कह रहा है कि भोजन सुख है, स्वाद सुख है, यह सब जो तुम कह रहे हो ये क्या कह रहे हो? यह सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। अगर इस सब में सुख होता तो तुम यहां क्यों आए? सुख भी आभास है। बुद्ध ने कहा, दुख सत्य है और सुख नहीं है, ऐसा नहीं है, पर इस संसार में नहीं है। संसार का अर्थ ही है जहां सुख दिखाई पड़ता है और है नहीं, जहां आभास होता है, प्रतीति होती है, इशारे मिलते हैं कि है, लेकिन जैसे जैसे पास जाओगे पता चलता है नहीं है। फिर सुख क्या है? बुद्ध ने कहा, बुद्धोत्पाद में सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का जन्म हो जाए तो सुख है, तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण हो जाए तो सुख है। बुद्धोत्पाद यह अनूठा शब्द है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का उत्पन्न हो जाए तो सुख है। तुम जब जागो तो सुख है, सोने में दुख है, मूर्छा में दुख है, जागने में सुख है, धर्म श्रवण में सुख है। तो सबसे परम सुख तो है बुद्धोत्पाद, कि तुम्हारे भीतर बुद्धत्व पैदा हो जाए। अगर अभी यह पैदा नहीं हुआ तो दूसरे नंबर का सुख है जिनका बुद्ध जाग गया है, उनकी बातें सुनने में सुख है, धर्म श्रवण में सुख है। तो सुनो उनकी जो जाग गए हैं, जिन्हें कुछ दिखाई पड़ा है, लेकिन उसी सुख पर तुम रुक मत जाना। सुन सुन कर अगर तुम रुक गए तो एक ही तरह का सुख तो मिलेगा, लेकिन यह भी बहुत दूर तक जाने वाला नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा, समाधि में सुख है, बुद्धोत्पाद में सुख है। यह तो परम व्याख्या हुई सुख की, फिर यह भी तो हुआ नहीं है। तो उनके वचन सुनो, उनके पास उठो बैठो जिनके भीतर यह क्रांति घटी है, जिनके भीतर यह सूरज निकला है, जिनका प्रभात हो गया है, जहां सूर्योदय हुआ है, उनके पास रमो, इसमें सुख है। मगर इसमें ही रुक मत जाना, ध्यान रखना, जो उनको हुआ है वह तुम्हें भी करना है। उस करने के उपाय का नाम ही समाधि है। सुनो बुद्धों को और चेष्टा करो बुद्ध जैसे बनने की, उस चेष्टा का नाम ही समाधि है, उस चेष्टा का फल ही बुद्धोत्पाद है। बुद्धों के वचन सुनो, फिर बुद्धों जैसे बनने की चेष्टा में लगना, ध्यान समाधि योग, और जिस दिन बन जाओगे उस दिन परम सुख है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे महात्मा बुद्ध की कहानी सुख क्या है। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध
राज नृत्यांगना थी। इसका एक नाम अम्बा पालिका भी था। आम्रपाली अत्यंत सुंदर थी और कहते हैं जो भी उसे एक बार देख लेता था वह उस पर मुग्ध हो जाता था। अजात शत्रु उसके प्रेमियों में था और उस समय के उपलब्ध इतिहास में अजात शत्रु के पिता बिंबसार को भी गुप्त रूप से उसका प्रणयार्थी बताया गया है। आम्रपाली को लेकर भारतीय भाषाओं में बहुत से काव्य, नाटक और उपन्यास भी लिखे गए हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगरी में आ पहुंचे। वैशाली को उस समय 16 महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरफ से संपन्न थी। महात्मा बुद्ध के आने के बाद पूरे नगर में फैलते देर न लगी, जिसे जब पता चला तभी वह उनसे मिलने पहुंच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। बुद्ध का चरित्र भी ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई रह ही नहीं सकता था। उस नगर की गणिका और राजनर्तकी आम्रपाली भी बुद्ध से मिलने की इच्छुक थी। वह खुद महात्मा बुद्ध के पास चलकर आई और उसने उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने इतने सरल और प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की थी कि बुद्ध मना न कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चली कि महात्मा बुद्ध ने एक गणिका का आमंत्रण स्वीकार किया है, तो सब ने इसका विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया वह बिल्कुल ही पवित्र और निश्चल थी। वह आज मुझसे मिलने एक गणिका बनकर नहीं बल्कि भक्ति भाव से आई थी। फिर भला कैसे मैं उसका आमंत्रण स्वीकार न करता, वह चाहे एक वैश्या हो या फिर एक सन्यासिनी। यथा समय बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। वह पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके भगवान बुद्ध के आने की राह देख रही थी। मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बात से मुकर न जाए। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वैश्य के बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे। परंतु जैसे ही आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते हुए देखा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर आ गई और उनका स्वागत किया, खुद अपने हाथों से भोजन परोसा और उनकी आवभगत की। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने, जो कि उनके साथ आए थे, जब यह देखा कि एक वैश्या जिसके कदमों में खुद सम्राट बिंबसार से लेकर अजात शत्रु थे, पूरी वैशाली जिसकी एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, उनसे मिलने के बाद वह उनसे और भी ज्यादा प्रभावित हुई और उसी समय वह बुद्ध की शरण में आ गई। अपनी सारी संपत्ति वह बौद्ध मठ के नाम करके आजीवन भिक्षुणी बन गई। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का अर्थ होता है वह जिसने अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लिया है। यह नाम उनके पिता राजा शुद्धोधन ने रखा था, क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो सभी ज्योतिषियों ने और विद्वानों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर एक महान सन्यासी बनेगा। परंतु बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे अपने पुत्र को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, न कि एक सन्यासी के। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र फकीरों का जीवन जिए। इसलिए सिद्धार्थ की व्यवस्था विलासतापूर्ण की गई। उन्हें तरह तरह के सुख सुविधाओं में रखा गया और उन्हें दुख की अनुभूति तक न होने दी। परंतु एक सन्यासी के लक्षण तो बचपन में ही दिख जाते हैं। वे बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव के थे। दया और करुणा तो उनमें कूट कूट के भरी थी। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर
ध्यानमग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने उपवन में एक शांत जगह पर इसी प्रकार ध्यानमग्न थे, तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गया, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सफेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा है। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा। उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे से वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में जाकर उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकाला। तीर के निकलते ही वह दर्द से तड़प उठा। तब सिद्धार्थ उसे धीरे से सहलाने लगे और उसके घावों पर पट्टी बांधी। उसी समय एक ओर से कुछ शोर होता है और उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आता हुआ दिखाई देता है। सिद्धार्थ के हाथ में वह हंस को देखकर बहुत खुश होता है और हंस को लेने के लिए सिद्धार्थ के पास दौड़कर आधमकता है देवदत्त। सिद्धार्थ, यह हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। यह मेरा शिकार है, अब जाकर मिला है। सिद्धार्थ, नहीं देवदत्त, ये मेरा हंस है। यह तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं सही समय पर इसका इलाज न करता। देवदत्त, दम तोड़ देता तो क्या, ये तो मेरा शिकार है, मैंने इसीलिए तो इसे मारा है। तुम जबरदस्ती मेरे शिकार को हड़पना चाहते हो। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस को लेकर वाद विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बहुत बढ़ गई। तब दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि हंस किसका है। इस बात का निर्णय महाराज शुद्धोदन के पास ही जाकर होगा और दोनों भाई राजदरबार में गए। वह उन दोनों ने अपना अपना तर्क महाराज के सामने रखा। महाराज शुद्धोदन विचार करके बोले, चूंकि यह हंस देवदत्त का शिकार है इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है, परंतु सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का हुआ। महाराज शुद्धोदन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ गई और वे हंस के शरीर पर धीरे से अपना हाथ रखकर सहलाने लगे। प्राचीन काल की बात है, मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरे होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा कि वहां के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण एक डाकू है अंगुलीमाल। वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध ने अपने मन में निश्चय किया कि उन्हें इस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने बच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत स्वभाव से जंगल में चले जा रहे थे, तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी। ठहर जा, कहां जा रहा है? बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूं ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलट कर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा हुआ था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में तलवार लिए बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थर थर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला,
हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियां की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे डरना क्या? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा। हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूं? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सर काट सकता हूं। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है? कहो तो पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कभी टूटी हुई पत्तियां भी जुड़ सकती हैं क्या? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी कोई ताकतवर है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे अपने शरणों में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया।